आरबीडेक में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों आइए, एकदम कमाल की तड़के वाली गर्मा गर्म खबरें आपके सामने हाजिर है हमेशा की तरह। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए, जिससे टेक्नोलॉजी रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हो आपके पास सबसे पहले। बड़ा ही मजा आने वाला है, फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत OnePlus से करते हैं। OnePlus Nord 3 5G ये जो स्मार्टफोन है वो IMDA सर्विसेज वेबसाइट पर लिस्ट हो चुका है, यानी इसका लॉन्चिंग काफी ज्यादा नजदीक है। अब देखते हैं कि भाई OnePlus वाले ये जो स्मार्टफोन इसे किस कीमत पर, कितनी जल्दी, क्या स्पेक्स के साथ लॉन्च करते हैं, इस बात का इंतजार है। आप एक्साइटेड हो OnePlus Nord 3 5G स्मार्टफोन को लेकर, कमेंट में जरूर से बताएंगे। Realme की बात करते हैं भाई, Realme GT Neo 5 SE ये जो स्मार्टफोन, उसके दिन ब दिन कुछ ना कुछ नए फीचर्स आते रहते हैं। अब सबसे बेहतरीन बात निकल के ये आई कि इसका जो वेरिएंट है वो 16GB रैम 1TB स्टोरेज के साथ आएगा, ऐसा कहा जा रहा है, तो काफी बेहतरीन बात है। और ये मेरे हिसाब से सबसे पहला ऐसा स्मार्टफोन होगा Realme का कि जिसमें हमें 16GB रैम एंड 1TB स्टोरेज देखने को मिल जाएगा, तो काफी बेहतरीन बात है। अब देखते हैं कि Realme GT Neo 5 SE ये जो स्मार्टफोन कितना ही जल्दी हमें देखने को मिल जाता है और किस कीमत के साथ इसे लॉन्च किया जाता है भारत में, इस बात का इंतजार है। जी एप्पल की बात करते हुए, एप्पल का एक बहुत ही बड़ा इवेंट होने वाला है, WWDC इवेंट, जो कि जून 5 से लेकर जून 9 तक चलने वाला है। और ये इवेंट में कहा जा रहा है कि भाई एप्पल ने कुछ टाइम पहले ही MR हेडसेट दिखाया था, शोकेस किया था, उस हेडसेट के बारे में कुछ बातचीत होगी और कहा जा रहा है कि भाई नए मैकबुक के मॉडल्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि मैक प्रो 2023 जो कि M2 अल्ट्रा चिप के साथ आ सकता है, ऐसा भी कहा जा रहा है, और भी बहुत सारी नई प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएगी। और कहा जा रहा है एप्पल का ये जो इवेंट होगा जिसमें iOS 17 का अनाउंसमेंट होगा, साथ ही साथ कहा जा रहा है iPadOS 17, macOS 14 एंड watchOS 10 का भी अनाउंसमेंट होगा। अब ये काफी बेहतरीन बात है, अब देखते हैं कि क्या कुछ हमें देखने को मिल जाता है इसी इवेंट में, इस बात का इंतजार है। जी हाँ, Asus की बात करते हुए, Asus ROG Phone 7D के लाइव इमेजेस लीक हो चुके हैं, जी हाँ, NCC सर्टिफिकेशन के दौरान। और ये जो स्मार्टफोन है वो लुक लाइक सेम टू सेम ROG Phone 6 जैसा ही दिख रहा है। अब देखते हैं, डिजाइन के मामले में सेम है पर जो स्पेक्स है वो थोड़ी बहुत डिफरेंट है। कहा जा रहा है कि स्मार्टफोन में 16GB रैम देखने को मिल जाएगी, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 चिपसेट की भयंकर ताकत देखने को मिल जाएगी, एंटीटू स्कोर के बारे में मैंने आपको कल ही बताया हुआ है। अब देखते हैं कि 13 अप्रैल को ये जो स्मार्टफोन इसे किस कीमत पर लॉन्च किया जाता है भारत में, इस बात का इंतजार है। जी हां, सैमसंग की बात करते हुए, सैमसंग ने अपनी एक नई SSD भारत में लॉन्च कर दी है, सैमसंग T7 सील्ड SSD। और यही SSD की अगर कुछ स्पेक्स के बारे में बात करें तो भाई 4TB स्टोरेज देखने को मिल जाता है, 1050 MB की डेटा ट्रांसफर स्पीड देखने को मिल जाती है, 3 मीटर ड्रॉप रेसिस्टेंट दिया गया, तो ये काफी बेहतरीन बात है, IP65 रेटिंग मिल जाती है, सबसे बेहतरीन बात है। और यही SSD की अगर कीमत की बात की जाए तो इसे लॉन्च किया गया 34,889 रुपए में, काफी बेहतरीन बात है। अगर आपको चाहिए, जरूरत है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो Amazon पर। जी हाँ, Oppo की बात करते हैं, Oppo Pay 2 ये जो है वो सिरिम सर्विसेज वेबसाइट पर लिस्ट हो चुका है मलेशिया में। जी हाँ, कहा जा रहा है कि इसका लॉन्चिंग काफी ज्यादा नजदीक है, बहुत ही जल्दी लॉन्च हो सकता है। अब देखते हैं कि Oppo इसे किस कीमत पर लेके आता है भारत में, स्पेशल इस बात का इंतजार है। आप एक्साइटेड हो Oppo Pay 2 को लेकर, कमेंट में जरूर से बताइए। iQOO की बात करते हुए, iQOO Z7i ये जो स्मार्टफोन है वो गूगल सपोर्टेड डिवाइस लिस्ट में लिस्ट हो चुका है, यानी लॉन्चिंग काफी ज्यादा नजदीक है। अब देखते हैं कि भाई iQOO वाले ये जो स्मार्टफोन है इसको किस कीमत पर लेके आते हैं भारत में, कितना ही जल्दी, इस बात का इंतजार है। जी हाँ, काम ग्रिल की बात करते हैं भाई, अगर आपको चाहिए एक बहुत ही बेहतरीन नेक बैंड, वो भी कम कीमत में, वो भी बेहतरीन ब्रांड का, तो ये जो डिलीव आपके लिए काम की होने वाली है भाई, JBL की तरफ से उन्होंने ग्लाइड 120 नेक बैंड फिलहाल बहुत ही बेहतरीन कीमत में आपको Amazon पर देखने को मिल जा रहे हैं। और यही नेक बैंड के अगर कुछ स्पेक्स के बारे में बात की जाए तो 12mm के ड्राइवर देखने को मिल जाते हैं, डीप बेस, ड्यूल इक्वलाइजर, फ्लेक्सिबल नेक बैंड है, तो ये काफी बेहतरीन बात है। मैटलिक ईयरबड्स देखने को मिल जाते हैं, ड्यूरेबिलिटी काफी बेहतरीन रहेगी, ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट, IPX5 की रेटिंग देखने को मिल जाती है, और क्या चाहिए, यानी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। और यही नेक बैंड की अगर कीमत की बात करें तो ये भी आपको Amazon पर देखने को मिल जा रहा है सिर्फ 999 रुपए में, काफी बेहतरीन डील है। अगर आपको चाहिए तो आप इसे जरूर चेकआउट कर सकते हो, उसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गेमिंग की बात करते हैं, ARK 2 ये गेम बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाली थी, बट फिर से ये गेम डिले हो चुकी है। 2020 से भी बातें हो रही है, ये गेम 2020 में आने वाली थी, उसके बाद डिले होकर 2022 हो गया, 2023 में यानी अब आने वाली थी,
पर इसको और डिले कर दिया गया 2024 में ये गेम आएगी। जी हाँ, और ये गेम में सबसे बेहतरीन बात है कि भाई ये जो गेम है वो एक एडवेंचर टाइप गेम है, एक्शन गेम है, और ये जो गेम है जिसमें हमें विन डीजल का कैमियो भी देखने को मिल जाता है, तो ये काफी बेहतरीन बात है। और यार क्या दिख रहे हैं आप, देख लीजिए पिक्चर में, बहुत ही बेहतरीन दिख रहे हैं यार। ये गेम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी ऐसा भी लग रहा है। और ये जो गेम है वो पीसी, PS4, PS5 सभी जगह पे देखने को मिल जाएगी। अब देखते हैं कि ये जो गेम है इसकी अनाउंसमेंट कितनी जल्दी होने की कुछ खबरें सामने आती है। आप हमें ये बताइए कि आपकी सबसे पसंदीदा एक्शन गेम कौन सी है, कमेंट में जरूर से बताइए। तो बस आज की टेक्निक यहां पे खत्म होती है, उम्मीद करता हूं पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल आप जरूर से नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कल मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए कीप ऑलवेज स्माइलिंग, स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।